तो आप देख सकते हो थोड़ी सी देर में भाई कितनी स्नोफॉल हो चुकी है भाई, हालत ख़राब होती जा रही है। आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख सकते हो, पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारी ट्रिप की है भाई सेकंड डे और निकल चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रात हम अपने होटल में रुके थे गौरीकुंड, और अब ट्रैक हमने अपना शुरू कर दिया है सुबह के 4 बजे से। गाइस अब हम आपको क्या बताएं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ये मोनाको बिस्कुट खा खा के हम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। अब वो तो हमको ही बताएं। किलोमीटर आए हो, ये भी बताओ भाई। किलोमीटर का तो यहाँ कुछ पता नहीं है, कितना किलोमीटर आ गया, कितना बचा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं पड़ता कितना आ गए भाई। मैं तो यार भाई मैं तो अगर हेलीकॉप्टर बुक हो गया ना तो से हेलीकॉप्टर जाऊंगा भाई। भी नहीं पता अभी कितना जाना है आगे, अभी कुछ पता ना है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऐसे पुल पर जहां से देखने पर व्यू काफी अच्छा लगता है। आईडी है भाई जो बनाई थी। हां भाई हो सकता है, लेकिन हमें पूरा कंफर्म नहीं है। जब सन 2013 में बाढ़ त्रिल आई थी ना तो यही पुल शायद से बहा होगा, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हम। और आप मेरी आवाज़ पर मत जाना क्योंकि गाइस पूरी तरह से थक चुके हैं भाई, हालत जो है ख़राब हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है और तुम भी देखो हिल रहा है कितना ज़्यादा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, ये देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है ना, आप भी देख लीजिए भाई। ये देखिए इस वाले पुल पर हम लोग खड़े हुए हैं और ये लोग भी अपनी फोटोग्राफी करते हुए अच्छे से। देखो भाई मज़ा तो फुल आ रहा है, लेकिन जो तकलीफ मिल रही है भाई वो भी बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल से चढ़ाई करना पड़ रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से हम मंजिल को पार कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और उनको फ़ोटोज़ को हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे, आप देख लेना रोहतासनगर 21 पर। भाई ऊपर को जैसे ही जाते जा रहे हैं ना भूख लगती जा रही है सभी लोगों के लिए, और सभी अपना खाना पीना जो भी खाते हुए जा रहे हैं ना, और चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी बोल सकते हैं, मतलब लिमिट से ज़्यादा महंगी है। इसके बारे में आपको बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप इंजॉय लीजिए हमारी मैगी का, देख लीजिए इस तरीके की। अब कलर मत देखना क्योंकि इसकी पॉलीथिन का कलर कुछ इस तरीके का है, देखिए इनकी शक्ल का भी कलर मत देखना। गाइस हमारे साथ तो भाई बहुत बड़ा पोपट हो गया है, क्योंकि हमारे जो लड़के थे साथ में वो चले गए हमसे आगे 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर भाई ओले पड़ना शुरू हो चुके हैं, पर हमारे पास तो रेनकोट भी नहीं है। बहुत बड़े ओले पड़ रहे हैं, देखो यार मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पर, तो यार देख करके डर लग रहा है। अभी मैं आपके लिए ओले दिखाता हूँ कैसे पड़ रहे हैं, देखो भाई ये, अरे कहाँ गया, अरे ये देखो ये पड़ रहा है, देखो ये आया अभी, देखो ये छोटी छोटी दिखाई दे रहे हैं वाइट वाइट, ये देखिए ऐसी भाई जो ये भाई मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। देखो देख रहे हो मौसम के लिए यार, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। अब हम क्या करें यार, हमारे पास तो रेनकोट भी नहीं है यार। दोस्तों जिस व्यू को देखने के लिए हम लोग आए थे भाई वो हमें देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो हमारे पीछे स्नोफॉल हो रही है और लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं हम। इधर से ना शॉर्टकट नहीं मारेंगे यार, अब आया शॉर्टकट नहीं मारेंगे गाइस, रास्ता बहुत खराब हो चुका है भाई। यार मेरा रेनकोट लेकर वो दोनों फरार हो गए यहाँ से यार, यहाँ पर मिल भी नहीं रहा है, जो नया खरीद ले। नहीं भाई यहाँ पर नहीं मिलेगा भाई, कहाँ पर स्नोफॉल का पूरा मजा ले रहे हैं भाई हम लोग तो, और खूब मजा आ रहा है। बस भाई इसी चीज का डर रहता है यहाँ पर। ये देखिए गाइस स्नोफॉल भाई, क्या मजेदार खूबसूरत बर्फ पड़ रही है भाई, जिंदगी में पहली बार हैं। अरे आ जा थोड़ी सी जगह यार, कहाँ मारेंगे शॉर्टकट, और रेनकोट भी डाल लिया मैंने तो भाई, चलते हैं अब जल्दी से, लेकिन हालत तो खराब हो गई है। अभी भी 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है भैया, हम दो ही रहे हम दो ही भाई पीछे हैं, बाकी सब तो पहुंच गए मंदिर पर वो। गाइस तो आप देख सकते हो थोड़ी सी देर में भाई कितनी स्नोफॉल हो चुकी है, और अभी भी पड़ ही जा रही है, क्या करूं भाई मैं तो। चलते चलते मेरी तो गाइस भाई हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन हाँ ये नज़ारा देखकर मज़े भी आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। और आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख सकते हो, पूरी तरह से बर्फ़ में ढक चुके हैं,
जो कि अब से 10 मिनट पहले बिल्कुल सूखे पड़े हुए थे। तो गाइस ये है कुदरत का करिश्मा, महादेव के यहाँ कब स्नोफॉल हो जाए इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं रहता है। लेकिन हाँ, मेरे जो हाथ हैं पूरी तरह से सुन हो चुके हैं, क्योंकि गाइस मेरे पास ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चलो कोई नहीं, थोड़ी सी ठंड सहन कर लेंगे, मंदिर तो अभी दूर है, अभी थोड़ी दूर चल के और थोड़ा सा स्टे करेंगे। भाई चलते हैं फिर, अब मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ना मुश्किल है, मैं जल्दी से फ़ोन को रखता हूँ अपनी जेब में। अच्छा भाई दोस्तों, थोड़ी सी देर में हम बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे, और पहुंचने ही वाले हैं मतलब। और जो जितनी थकान मैंने आज अपनी जिंदगी में देख रही थी ना, और अब पूरी तरह से भाई पैरों से मतलब गायब हो चुकी है। यही नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना ट्रेवल करके आए हैं भाई। तो ये होती है महादेव की शक्ति। और क्या बताएं रास्ते में भाई, देखो अभी थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई थी, हाँ अब बंद हो गई, अब देखो धूप निकल रही है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि आज हमने रास्ते में भाई देखो इतनी जिंदगी मैगी कभी नहीं खाई होगी जिस जो आज हमने खाई है। हमने तो पूरे रास्ते ना इन्होंने पराठे खाए, हमने मैगी और चाय पी है बराबर भाई ठीक है भाई, मैंने सबसे ज्यादा चाय पी यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और अभी तो ऊपर यार स्नोफॉल चल भी रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा बैंक पकड़ो ये देखो भाई ऊपर देख रहे हो, देखो भाई वहाँ पर स्नोफॉल अभी चल रही है। महादेव का मंदिर जो है सामने, मैं अभी दिखा दूँ, शायद दिख जाए तो आपके लिए, वो दिख रहा है देखो सामने, देख लो भाई चलते हैं। दोस्तों जिस चीज को देखने के लिए हम लोग पूरे 10 घंटे पैदल चल करके आए हैं, फाइनली वो समय आ चुका है। तो चलिए मिलवाते हैं अपने महादेव से। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सच में बहुत जन्नत है भाई, सब कुछ सुकून मिल रहा है भाई। इतनी ज्यादा मेहनत की हम लोगों ने पैदल आने में, और आज इसका फल हमें मिल ही चुका है, क्योंकि सारी थकान हमारी दूर हो चुकी है। गाइस ड्रीम सक्सेसफुल, यस जन्नत। क्योंकि गाइस जिस चीज को हमने वीडियोज में देखा था, जैसा कि आप सभी लोग भी देखते हो, रील्स वायरल होती हैं, वीडियोज वायरल होती हैं, उसी तरह हमने भी देखा था। और आज देखिए लाइन लगा तीन जगह पर हम लोग भी आ चुके हैं। चलिए महादेव के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो गाइस केदार बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोगों ने ये देखिए प्रसाद ले लिया है, और मंदिर में लाइन लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है। अब देखते हैं भाई कितनी देर में हमारा नंबर आता है। देखो भाई, और जूते उतार दिए हैं तो बर्फ़ पड़ी है ना आज, तो देखो पैरों में, पैर हमारे पूरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं गाइस, मतलब पैरों में जान नहीं रही है बिल्कुल भी। लेकिन महादेव के लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई, इतना कष्ट सह करके आए तो इतना कष्ट होते। हाँ तो दोस्तों फाइनली श्री केदार बाबा के दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और सब भाई साहब सब कुछ ठीक रहा कुल मिलाकर। ये देखिए एग्जिट गेट ये वाला है, यहाँ से निकलते हैं और यहीं से होती है वीआईपी लोगों की एंट्री, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज दे करके, मतलब कि अभी फीस बता रहा हूँ 2100 रुपये अगर आपको लाइन में नहीं लगना है। हमें तो भाई बहुत कई घंटे तक लाइन में लगना पड़ा है, अगर आपको नहीं लगना है तो आप यहाँ से अपनी वीआईपी एंट्री से जा सकते हो, लेकिन हमने ऐसा भाई नहीं किया, बस और कुछ नहीं है। और अभी मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ उस पत्थर को, जब गाय सन 2013 में बहुत बड़ी महाप्रलय आई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, और भगवान शिव के मंदिर को सुरक्षित किया था। उस पत्थर का नाम अब भीमशिला रख दिया गया है। अभी मैं आपको उस पत्थर के लिए दिखाने वाला हूँ गाइस, बहुत बड़ा पत्थर है गाइस। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे से, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ भाई, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, यही वो पत्थर है, ये देखिए भगवान शिव का मंदिर श्री केदार बाबा का बैक साइड से, और यही है वो शिला जिसने भगवान शिव के मंदिर को
बचा लिया था। भाई देख रहे हो कितनी बड़ी सिला है, देख लीजिएगा इस इधर से इस साइड में भाई पूरा जल ही जल था। उधर से सारा कुछ मतलब मंजर जो मैंने देखा था वीडियोज में न्यूज में वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान गई। भाई यहाँ पर सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तो गाइस अभी चलते हैं भाई, बैग लेते हैं और जूते लेके आते हैं। अब बैग और जूते उठाते हैं, अब देखते हैं हम लोगों को यहीं पे स्टे करना है या फिर अगर हेलीकॉप्टर मिलता है, हेलीकॉप्टर राइड हमारी नीचे तक मिल जाएगी तो हम आज ही निकल जाएंगे, वरना कल निकलेंगे क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर पैदल निकलते हैं तो। फिर गाइस तो हम लोगों ने भाई रात को अपना टेंट ले लिया था क्योंकि हेलीकॉप्टर की बुकिंग हम लोगों ने सोचा था ना करने की, तो भाई 6 दिन तक प्रॉपर हेलीकॉप्टर यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। और देखो मेरे होठों की हालत आप देख सकते हो, ये देखो भाई कितने बुरी तरीके से फट चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से सभी के होठ फट चुके हैं। हम लोगों ने रात को यहाँ पर टेंट ले लिया था क्योंकि ठंड हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा, तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि भाई नीचे चलना थोड़ा सा अब सही रहेगा। तो देखो कैसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं सभी लोग, ये देखो हमारा पूसा यहाँ पर, और देखो भाई पानी वानी पिया, लेकिन पानी को कहाँ पे रखा है पता है आपके लिए? अपनी रजाई में अंदर बंद करके रखा है पानी के लिए, जिससे कि पानी थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, बहुत ठंडा पानी था गाइस। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।